अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास समारोह के आयोजन को लेकर हमीरपुर में भी जनता ने खुशी जाहिर की है। हमीरपुर के स्थानीय लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए नींव पत्थर 5 अगस्त को रखे जाने की सूचना मिलने से ही लोग इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ वर्ग के लोगों से जानी राम मंदिर निर्माण को लेकर उनकी राय। पप्पू ने बताया कि काफी सालों से राम मंदिर निर्माण का मसला अटका हुआ था, लेकिन 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ पीएम नींव पत्थर रखेंगे, जो कि बहुत बढ़िया काम होगा। वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि बड़े समय से ये मांग चली आ रही है राम मंदिर, और कुछ कारणों से मामला कोर्ट में अटका हुआ था और कोर्ट से भी इसकी इजाज़त मिल गई। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है मोदी जी ने इस मुहिम को तेज करने के बाद ये मुहिम काम हुआ है, और यहाँ पर भगवान रामचंद्र जन्मभूमि वहीं पर राम जी का मंदिर बनेगा। बहुत महिला ने बताया कि राम मंदिर के अयोध्या में नींव पत्थर रखा जाएगा और बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि पूरे देश के लोग इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत टाइम से ये मामला कोर्ट में अटका हुआ था और अंत में ये फैसला हुआ कि वहाँ पर राम मंदिर बनेगा, और हम सब भारतवासियों के लिए ये गर्व की बात है और मोदी जी के हाथों से इसका शिलान्यास होगा। बस इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि मोदी जी अपने शुभ हाथों से कल इस मंदिर का शिलान्यास करेंगे, और जो श्री राम जी का हक है, जो उनकी धरती है, वहाँ पे उनका मंदिर, उनका घर बनना चाहिए। और हमें बहुत खुशी है कि मोदी जी ने ये मुहिम छेड़ी है और इसको मुकम्मल करेंगे। और राम जी का एक नारा है, राम लल्ला जी आएंगे, अयोध्या में ही मंदिर बनाएंगे। मुन्ना वर्मा ने बताया कि बड़े सौभाग्य की बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयासों से राम मंदिर बनने का सपना पूरा होने जा रहा है और पीएम मोदी नए हिंदू राष्ट्र की नींव रखने जा रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे भगवान श्री राम जी का जो इतने वर्षों से कार्य लटका हुआ था मंदिर निर्माण का, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी के प्रयासों से अब सफल होने जा रहा है, और हम भारतवासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है और एक नए हिंदू राष्ट्र की नींव रखने जा रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी उन लोगों का जिन्होंने इस काम में मदद की और अपने दिल से मदद की।